वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैंने मक्का काट दी है यहाँ पर और बैलों को अभी डाली थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने खा कर ख़त्म कर दी है और अभी देख सकते हैं इनको। अभी कल पोला है तो इसलिए उनके सींग बनवा दिए हैं। और चलिए आपको मैं बाहर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। और आप भी देख सकते हो जैसे कि बहुत ही तेज धूप गिर रही है, तो इस कारण अभी बफेलों को चराने के लिए नहीं छोड़ेंगे, अभी बाद में छोड़ेंगे। तो अभी इधर इतनी मक्का पड़ी है तो इनको भी काट के डाल देते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने सोचा है कि मक्का को बाद में काट के डालेंगे, क्योंकि अभी जानवर ने खा कर ख़त्म किए हैं अभी बैलों ने। और अभी इधर आप देख सकते हो हमारे बुल को। दोस्तों थोड़ी देर पहले आज इसको सुबह कुछ पैर में दिक्कत हो गई थी, इसका पैर बहुत दर्द कर रहा था। तो दोस्तों बैल का यहाँ से पैर बहुत दर्द कर रहा था, तो इस कारण ये कुछ ज़्यादा खा नहीं रहा है। तो चलिए पहले इसको छोड़ कर देख लेते इसका दर्द कम हुआ है या नहीं। अभी इसको पेन किलर दिया था और अभी आराम कर रहा है इधर। तो दोस्तों अभी देख सकते हो बुल को तो छोड़ दिया है, पर शायद उसके पैर में अभी भी दर्द है इसलिए खड़ा नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं खड़ा करके क्या दिक्कत है। चल चलिए खड़ा हो। तो दोस्तों अभी खड़ा तो हो चुका है यहाँ पर, उसको कुछ शायद लगाया था दर्द कम करने के लिए। तो देख सकते हो एकदम पैर को बहुत ही कम टिका रहा है यहाँ पर, शायद दर्द अभी भी यहाँ पर देख सकते हो, सूजन भी आ गया है इसके पैर में। तो अभी तो इसको आराम करने देते हैं, फिर इसको अंदर बांध देंगे। बहुत ही अब शांत हो चुका है, इसका पैर दर्द कर रहा है देख सकते हो, एकदम पूरा सूज चुका है। तो अब इसको फटाफट वापस बांध देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं अदरक वाले खेत में जा रहा हूँ, उसमें भी आज हल चलाया था मिट्टी चढ़ाने के लिए। और चलिए आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों इधर पालक का खेत खाली हो चुका है और इसके अंदर अभी मूली लगाई हुई है। और इधर आप गराड़ू को भी देख सकते हो। तो इसमें मूली लगाई थी और शायद 2-3 दिन पहले लगाई थी और इसके अंदर पानी चला दिया है अभी कल या शायद आज ही चलाया होगा। और इधर अदरक में भी मिट्टी चढ़ा दी है हल से और खाद भी डाल दिया है। तो दोस्तों अभी इधर देख सकते हो केले का पेड़ भी कितना बड़ा हो चुका है और पपीते का पेड़ भी इधर, और इधर के अदरक में भी मिट्टी चढ़ा दी है। ये देख सकते हो पपीते का पेड़ कितना बड़ा हो चुका है। तो अभी आप इधर मक्का भी देख सकते हो, मक्का भी कितनी बड़ी हो चुकी है। और दोस्तों इधर साइड में अब हल्दी के साइड में यहाँ पर जो चरी थी मक्का थी चरी की, तो उसे भी पूरी काट दी है। और खेत में अब चुकंदर लगाए हैं, बीट देख सकते हो कल ही लगाए थे। और इधर पानी भी चलाया था क्योंकि धूप बहुत तेज गिर रही है। और इधर देख सकते हो हल्दी भी आप। और दोस्तों उधर की जो मक्का थी उसकी भी कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो चलिए उधर आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी देख सकते हो वहाँ से इतनी मक्का भी काट दी है और इधर की भी काटेंगे। और अभी गोभी भी दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर जो साइड में चारा था उसको भी साथ साथ काटते जा रहे हैं, देख सकते हो कितना बड़ा हो चुका है अभी।
दोस्तों अभी देख सकते हो इधर गोभी को भी। दोस्तों ये गोभी पहले लगाई थी, देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई है अभी। और अभी बाद में भी पूरे खेत में गोभी लगाई थी, तो इधर की गोभी अभी छोटी है। और गोभी में भी पानी चला दिया है, ये देख सकते हो इधर। और इसके अंदर यहाँ पर फूल गोभी लगाई है और बैंगन भी इसके अंदर ही लगा दिए हैं, ये देख सकते हो। यहाँ पर बैंगन लगाए थे और फिर बैंगन ऐसे करके पूरे खेत में वहाँ तक के लगा दिए। और दोस्तों अभी मक्का इधर से काटना स्टार्ट की थी, क्योंकि यहाँ से बैलगाड़ी से मक्का लेके जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रास्ता बना दिया है खेत के अंदर। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।